नमस्कार दोस्तों, एनएस में आपका स्वागत है। मैं अंकित। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रैंसमवेयर अटैक के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर में रैंसमवेयर अटैक चल रहे हैं, इंडिया भी इससे बच नहीं पाया है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब रैंसमवेयर अटैक की चपेट में आ चुके हैं। तो दोस्तों, रैंसमवेयर अटैक है क्या? दोस्तों, ये एक साइबर हैकिंग है। तो इसमें क्या होता है, रैंसमवेयर एक सॉफ्टवेयर है। जब भी आप गलती से भी ये सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो होता क्या है दोस्तों, ये आपका जो डेटा है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल है उसे लॉक कर देता है। उसका कोई भी डाटा आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपको एक मैसेज दिखेगा कि सोचिए 300 बिटकॉइन दीजिए तो आपको ये अनलॉक कर पाएंगे। तो एक्चुअली दोस्तों, बिटकॉइन क्या है आप देख जान लेते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन है आप ये इंटरनेट की एक करेंसी है, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले जाए तो इंटरनेट करेंसी है। तो एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग इंडियन मनी में 1 लाख रुपये तक हो सकती है। तो दोस्तों, आप सोचिए, अगर आप आपका कंप्यूटर हैक हो गया, रैंसमवेयर अटैक की चपेट में आ गया, तो आपको करीब 3 करोड़ रुपये देने हो सकते हैं एक कंप्यूटर को डाटा को रिकवर करने के लिए। और उसके बाद भी दोस्तों, ये रिकवर होगा या नहीं इसका कोई भी गारंटीड नहीं है। तो रैंसमवेयर मतलब हो गया दोस्तों, रैंसम मतलब हो गया फिरौती। तो ये एक टाइप की फिरौती मांगी जा रही है। जैसे किडनैपर लोग क्या करते हैं, आपके बच्चे को या कोई किसी को किडनैप कर लेते हैं, फिर बोलते हैं मतलब रुपया की डिमांड करते हैं, इतना रुपया दो तो छोड़ेंगे। तो इसी टाइप से ये अटैक काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बचने का उपाय 2-3 है। जैसे एक आपका जो विंडोज़ का वर्सन है उसे अपडेट कीजिए, और दूसरा दोस्तों, कोई भी ईमेल को मतलब नहीं जान के जी कौन सेंडर है ये नहीं जान के मत खोलिए, या उसके ऊपर कुछ अटैचमेंट अगर आता है तो उसे डाउनलोड मत कीजिए। कंफर्म हो जाइए जी हाँ, ये आपके पहचान वाले किसी ने भेजा है तो ही वो अटैचमेंट को डाउनलोड कीजिए। आपका आपको समझ नहीं आ रहा कौन है ये डाउनलोड करने वाला, तो अटैचमेंट को ये मत कीजिए, डाउनलोड मत कीजिए। तो इससे आप काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। या कोई भी बहुत सारे वेबसाइट हो दोस्तों, जो वेबसाइट के बारे में हम जानते ही नहीं है, तो उस वेबसाइट को ब्राउज ही मत कीजिए। अगर भी आप ब्राउज करते हैं तो उससे कुछ भी डाउनलोड अगर हो भी जाता है, मतलब डाउनलोड मत कीजिए, अगर डाउनलोड भी हो जाता है तो इंस्टॉल मत कीजिए उस सॉफ्टवेयर को। तो इससे काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा उपाय दोस्तों, आप अपने जो विंडोज़ हैं उसे अपडेट करिए। इसमें जो रैंसमवेयर से बचने के लिए कुछ पैच बनाया गया है विंडोज़ के ज़रिए, तो उससे आपका काफ़ी मदद मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।